हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसको उदाहरण सहित समझेंगे, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अक्सर कई बार स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम्स में या क्वार्टरली या हाफ ईयरली एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है उसे उदाहरण से समझाइए। तो चलिए बिना देरी के आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और उसके कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण। तो सर्वप्रथम परिभाषा की बात कर लें, परिभाषा देख लें। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब अभिक्रिया की ऐसी घटना को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। परिभाषा में स्पष्ट है, परिभाषा में क्या कहा जा रहा है, जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं या आपस में मिलकर क्रिया करते हैं और क्रिया के परिणाम स्वरूप भिन्न गुण धर्म वाले या अलग अलग गुणधर्म वाले या अलग विशेषताएँ वाले जब अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं तब अभिक्रिया की इस घटना को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, रासायनिक अभिक्रिया में या तो एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ शामिल हो सकते हैं। वैसे ही अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप या रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात निर्मित होने वाले पदार्थों की संख्या भी एक या एक से अधिक हो सकती है। ठीक है, जिनके गुणधर्म जिन पदार्थों से वो मिलकर बने हैं उनसे अलग हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं, उनकी विशेषताएं अपने पैतृक कह सकते हैं, एक तरीके से पैतृक पदार्थों से भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है। क्लियर है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्रिया करके किसी भिन्न गुणधर्म वाले एक नए पदार्थ का या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब अभिक्रिया की इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है? ये तो हो गई परिभाषा। आशा करता हूँ आप लोग को परिभाषा अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित एक उदाहरण। ओके, ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में मैंने लिया हुआ है सोडियम एवं क्लोरीन। ठीक है, एक पदार्थ क्या है, सोडियम है और दूसरा है क्लोरीन। ठीक है, जो कि आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड नामक एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमारे पास दो पदार्थ है, एक का नाम है सोडियम और दूसरे का नाम है क्लोरीन। इन दोनों पदार्थों को जब आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है या आपस में मिलाया जाता है तो सोडियम एवं क्लोरीन आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड नामक एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस सोडियम क्लोराइड को आम तौर पर सामान्य बोलचाल की भाषा में नमक के नाम से जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल सब्जियों में किया जाता है। वहीं सोडियम एवं क्लोरीन से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया को देखें। ठीक है, तो हमने कहा सोडियम प्लस क्या, क्लोरीन, इन दोनों को जब आपस में क्रिया करवाया जाता है या इन दोनों की जब आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ये तो रहा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट वीडियो, साथ ही रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित एक इम्पोर्टेंट उदाहरण। आशा करता हूँ आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है यह अच्छे से समझ में आया होगा तथा उससे संबंधित यह उदाहरण भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।